सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने जो आजकल भू कानून के लेके किस्सा उठ रहा है, अब ये अपने देहरादून में 24 तारीख को महा रैली भी निकलेगी, तो मैं सभी से यही निवेदन कर रहा, जो हमारा प्लान हो रहा है, कृपया करके ज्यादा से ज्यादा अपने उत्तराखंड को बचाएं, जितना हो सके चाहे हमें जी जान लगाना पड़े पर अपने उत्तराखंड को बचाएं। मैं दिल्ली रहन भाई, मैं घर बैठे स्पेशल हूँ, और शायद यह कोई बंदावाल जो स्पेशल माँ को देखा, और स्पेशल मैंने इसी चीज के लिए कौतिक के लिए पूरा एक साल वेट किया और इसके लिए मैंने छुट्टी भी ली है। सभी भाई बंधुओं के लिए ये बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब उत्तराखंड मतलब कुमाऊनी वगैरह सब मिला के जितने भी लोग हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब जो बाहर के लोग जो मतलब जमीन बेच रहे हैं, अन्य राज्यों से जो आ रहे हैं, अन्य राज्यों से यानी बाहरी राज्यों से जो आ रहे हैं, तो जैसे हिमाचल में बहुत अच्छी पॉलिसी है सबकी। महाकौथिक में लोक कलाकारों का उत्साहवर्धन करने के लिए जो लोग हैं वो लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप कहाँ से हैं भाई? नमस्कार, मैं नयार घाटी सतपुली क्षेत्र बैठ जो। भाई आप? मैं भी वैसे पौड़ी गढ़वाल से हूँ, पर मैं अभी यक नवादा यानी मोन गार्डन अमरन, और मैं यहाँ कहीं चौब कौथिक दिखना, मैं पिछले साल भी आई हूँ, पिछले साल भी मैं तो बहुत अच्छा लग गया, बहुत बड़े अलग पर भी बहुत भय बंद मिली और जो दगड़ बहुत रंगमत शाम बन गया, तो मैं विजय भाई दगड़ बटे मिल और यूं जो साथ इच्छा वो भी मिल चाहे पिछले साल। भाई आप कहाँ से हैं? वैसे तो पौड़ी से ही हूँ, बस रहता द्वारका में हूँ। द्वारका? आपको गढ़वाली बोलनी नहीं आती? नहीं नहीं, थोड़ी थोड़ी आती कभी कभी। गीत वगैरह सुनते हैं आप? इधर रहिए, गाने वाने तो सुने काफी सारे। मेरे साथ भाई है, भाई नाम नहीं बताया आपने। मेरा नाम नितेश काला और मैं नहर घाटी क्षेत्र रहने वालों छो, नहर घाटी मतलब सतपुली आप पता है। बिल्कुल बिल्कुल, गढ़वाली में बातचीत कर दो आप, एक दिल्ली में। मैं दिल्ली रहन भाई, मैं घर बैठे स्पेशल हूँ, और शायद यह कोई बंदावाल जो स्पेशल महाकौथिक बान या खावाल। तो ये जादू है महाकौथिक का कि लोगों को उत्तराखंड से पहाड़ों से खींच कर, सिर्फ 5 दिन का एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में लोगों को पहाड़ से खींच के ला रहे हैं। कल लगण तब आप यहाँ से एज ए व्लॉगर बताना थे कि एज ए मतलब पर्सन बताना आपने? दुया एज ए व्लॉगर थे इंच की हम सब चीज दिखा दो है ना, और वन पर्सनली मतलब बहुत ही मतलब आनंदित मतलब जन मतलब मीनाराण जी का स्वर ब्याल इंदिरा रे जी छाए, मतलब हमारे जो उत्तराखंड पहचान जो चारों तरफ मतलब धूम मचाने जन इंदिरा रे जी गाना चाहे गुलाबी शरारा, तो पूरा वर्ल्ड वाइड उच्चन हो चाहे, तो मेरा बहुत ज़्यादा खुशी होनी मतलब पर्सनली, और मैं चाहता कि हमारे गढ़वाल और गढ़वाल जितना भी हमारे चाहे मतलब नेता से लेकर चाहे अभिनेता वाह चाहे कोई छोटे मोटो कलाकार वाह, वो हमेशा अग्नि रहा, और ये शुभकामना बात थे विराम देना चाहते। नहीं नहीं नहीं, एक बात एक सवाल और पूछूंगा, आप कितने दिनों के लिए आए हैं? मैं मात्र 5 दिन। काकरणा छो अभी? मिया की नोएडा में की बगल। अच्छा, किराए पर? ना ना, दगड़े दगड़। हाँ मतलब दीदी रहे मेरे। अच्छा दीदी, आओ भाई आप नवादा से यहाँ आए हैं, तो यहाँ दिल्ली में क्या करते हैं आप? मैं फिलहाल तो अभी जॉब वगैरह करता हूँ, और स्पेशल मैंने इसी चीज के लिए कौतिक के लिए पूरा एक साल वेट किया और इसके लिए मैंने छुट्टी भी ली है, और जो मेरे चैनल का नाम है वो मिस्टर खंडूर के नाम से है, मैं भी ब्लॉग बनाता हूँ और आप मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखना जाके, और मेरे को सच में बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पे, दिल करता है कि यहीं रहूँ पर मजबूरी है, जाना पड़ता है, क्या करें। और मैं अपने जितने भी पहाड़ी भाई बंद है जो भी है सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने जो आजकल भू कानून के लेके किस्सा उठ रहा है, अब ये अपने देहरादून में 24 तारीख को महा रैली भी निकलेगी, तो मैं सभी से यही निवेदन कर रहा, जो हमारा प्लान हो रहा है कृपया करके ज्यादा से ज्यादा अपने उत्तराखंड को बचाएं, जितना हो सके चाहे हमें जी जान लगाना पड़े पर अपने उत्तराखंड को बचाएं, जितनी हो सके उतनी कोशिश करें अपने उत्तराखंड के लिए बचाने के लिए। मैं कहना चाहूंगा भाई जी, दो बातें मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो सबसे पहले सभी हिंदुओं को जो राम मंदिर बनो चे, तो 22 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे, क्योंकि हम हिंदुत्व का भी प्रमोट करते हैं उत्तराखंडी होने के साथ साथ है ना, हम भारतवासी हैं, तो इसलिए हमें वहाँ जाना चाहिए मतलब वक्त जान चाहिए। दूसरी चीज़ जो है कि एक पलायन मैं एक्चुअली मैं मेहर चैनल नाम से नयार घाटी व्लॉग्स के लिए मैं नया वासी छो, दूसरी में एक पलायन पर फोकस कर दो। दूसरी चीज़ यह पलायन दगड़ दगड़ आजकल की हो कि यो जो बाहरी तत्व जो हमारे उत्तराखंड में आना चाहिए, उत्तराखंड में कुमाऊनी लोग भी रहते हैं, जौनसारी लोग भी रहते हैं, तो आप गढ़वाली में बोल रहे हैं तो कुमाऊनी लोग कैसे समझेंगे, हिंदी में बोलेंगे ये बात तो शायद उन तक भी पहुंचे। हाँ जी, तो सभी मतलब सभी भाई बंधुओं के लिए ये बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब उत्तराखंड मतलब कुमाऊनी वगैरह सब मिला के जितने भी लोग हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब जो बाहर के लोग
जो मतलब जमीन बेच रहे हैं हम अन्य राज्यों से जो आ रहे हैं, अन्य राज्यों से यानी बाहरी राज्यों से जो आ रहे हैं, तो जैसे हिमाचल में बहुत अच्छी पॉलिसी है सबकी। मैं पॉलिटिक्स से थोड़ा हट के बात करता हूँ क्योंकि पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं किसी पे किसी व्यक्ति विशेष पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने उत्तराखंड को समझें और जो लोग मतलब जो पुराने रीति रिवाज थे उन्हीं पे कायम रहें। और अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो सभी भाई लोगों से यही बोलना चाह रहा हूँ, चाहे वो टिहरी, पिथौरागढ़, कुमाऊँ, कहीं का भी हो, एक घर अपने पहाड़ में ज़रूर बनाएं और अपने घर के आगे एक वृक्ष ज़रूर लगाएं, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी और हमारा उत्तराखंड हमेशा हरा भरा रहेगा, साक्षर रहेगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। चलिए बहुत बढ़िया, इन्होंने एक मैसेज दिया उत्तराखंड के लोगों को और इन्होंने बताया कि महाकौथिक का इंतजार इस साल भर करते हैं और फिर ये 5 दिनों के लिए छुट्टी लेकर इस कौथिक में शामिल होते हैं।